और देखिए झारखंड चुनाव का आज ऐलान होगा, निर्वाचन आयोग ऐलान करेगा। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त, महाराष्ट्र चुनाव का भी ऐलान आज किया जाएगा। तो देखिए झारखंड चुनाव को लेकर के यह बड़ी खबर, और आज निर्वाचन आयोग ऐलान कर देगा झारखंड चुनाव का। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। दिवाकर तिवारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, आज निर्वाचन आयोग की तरफ से झारखंड चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा, किस तरीके से हलचल बढ़ने वाली है? देखिए आज से गर्मा गर्मी बढ़ जाएगी और जिस बात का इंतजार था झारखंड और महाराष्ट्र को वो तिथि जो है आज आ गई है और आज जो है चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। 2 से 3 फेज में चुनाव कराए जाने की खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्टोरल रोल हो या प्रशिक्षण हो या जो है जो सीजर संबंधी जो एहतियाती कदम है उन सारे चीजों की जानकारी दे दी है। तो अब झारखंड में यह माना जा रहा है कि 15 नवंबर के बाद मतदान की तिथि मुकर्रर की जाएगी, यानी कि 15 नवंबर के बाद कभी भी जो है मतदान की तारीख जो है तय हो जाएगी। आज चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही जो है ये चुनाव आचार संहिता लग जाएगा और चुनाव आचार संहिता के वायलेशन के भी कई रूल्स होते हैं। वायलेशन होता है तो उस पर चुनाव आयोग सख्ती बरतता है। तो चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग की तरफ से आज ऐलान होगा जिसका काफी इंतजार था और चुनावी जो तैयारियां हैं विभिन्न राजनीतिक दलों की वो भी लगभग जो है मुकम्मल होते नजर आ रही है। चाहे कोलिशन में सीटों का बंटवारा हो, उम्मीदवार तय करने हो, इसकी मीटिंग्स लगातार हो रही है और ये माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में जो है तेजी से जो चुनावी कार्यक्रम होंगे राजनीतिक दलों को वो देखने को मिलेंगे। अभी राहुल गांधी के भी कार्यक्रम होने हैं, प्रधानमंत्री का भी लगातार दौरा हो रहा है और बीजेपी के जो तमाम चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी लगातार बैठकें हो रही है। तो अब सियासी गहमा गहमी आज चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही बढ़ जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया दिवाकर इस अपडेट के लिए आपका। देखिए झारखंड चुनाव का ऐलान आज कर दिया जाएगा और इस बीच जो सियासी गहमा गहमी है वो भी बढ़ेगी और जाहिर सी बात है कि इस चुनाव के मद्देनजर लगातार निर्वाचन आयोग भी काम करता रहा और एक बड़ी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के ऊपर भी इस चुनाव को संपन्न कराने में होती है। आज पूरा शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा, इसके साथ साथ आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी। तो झारखंड विधानसभा का चुनाव बेहद अहम और खास इस बार का होने जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर तरीके से लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको भी पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए दिवाकर तिवारी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। दिवाकर जी, अब निर्वाचन आयोग की अपनी तैयारी, लेकिन इन सब के बीच अब पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें झारखंड में, तो उनमें अब किस तरीके की जो गहमा गहमी है वो बढ़ेगी, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के सब चीजें ठीक नजर आ रही हैं? देखिए कल ही जो चुनाव उसका प्रभारी है हिमंता बिस्व शर्मा, उन्होंने कहा कि चुनाव के तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव की तारीख ऐलान हो जाएंगे, चुनाव के तारीखें सुनिश्चित हो जाएंगी, वैसे ही 48 घंटे में वो गठबंधन को लेकर स्थिति साफ कर देंगे। उन्होंने कल ही बता दिया था कि 9 से 11 सीटें जो है वो आसमी को शेयर करने जा रहे हैं। एक दो सीटों पर उनकी बातचीत चल रही है, अभी जीत है बरकरार। तो बीजेपी गठबंधन की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें, तो हिमंता बिस्व शर्मा की तरफ से ये बयान आया है, बड़ा बयान आया है कि 10 से 11 सीटें आसू को शेयर करेंगे, 2 सीटें वो जेडीयू को शेयर करेंगे और चिराग पासवान के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत चल रही है, तो उनको भी एक सीट साझा करने की बात आ रही है। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसके नेता भी लगातार दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों दिल्ली में जो झारखंड के प्रमुख नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, विधायक दल के नेता हैं, तमाम नेताओं की वहां बैठक हुई और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। हेमंत सोरेन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात किया, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किया और सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर एक दबाव बनाया कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए ताकि चुनावी तैयारियों को वो मुकम्मल अंजाम दे सके। तो दोनों ही गठबंधन की तरफ से लगातार जो है तैयारियां की जा रही हैं। पहला जो कदम है वो सीट बांटना है गठबंधन में और दोनों ही गठबंधन के दल हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो आगे आने वाले एक हफ्ते में सीटों का बंटवारा हो जाएगा और उसके साथ ही जो कैंडिडेशन का दूसरा प्रोसेस होगा कि कौन कौन से कौन सी सीटों पर उम्मीदवार होंगे तो उन उम्मीदवारों का भी लगभग सभी पार्टियों में मंथन हो चुका है और अब लिस्ट आना बाकी है। जैसा कि बीजेपी में हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि उम्मीदवारों के नामों पर ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, अब एक बैठक होनी है, सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। पुतली बना के रखना गंभीर बात। आप कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, आपकी जो गठबंधन के साथी है उनसे आपकी कोई मीटिंग भी नहीं हुई है, सीट शेयरिंग पर बातें नहीं हुई है, कैंडिडेट फाइनलाइजेशन की भी बात नहीं चल रही है, तो कैसे तैयार है आप? सब बातचीत हो रही है, सब तरह से तैयार है। ये बातचीत आपके मीडिया के सामने नहीं आई होगी, हमारी बातचीत के कई पहलू हैं, कई माध्यम हैं। हाँ, एक औपचारिक बैठक होगी जो आप लोगों के द्वारा भी कवरेज लिया जाए।